इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको इस तरीके से लिखा हुआ आता है, अगर आपके गूगल अकाउंट के अंदर आप साइन इन करते हैं जिस टाइम पर, तो यहाँ पर आपको प्रोवाइडेड डिटेल्स पूरी नहीं मिल पाती हैं, तो आपको क्या करना चाहिए और किस वजह से ये यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो ध्यान से आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो लाइक यहाँ पर इशू बेसिकली ये रहता है कि हम अपनी आईडी को यहाँ पर ट्राई अगेन करते हैं तो बैक कर देते हैं पूरा यहाँ पर, और अब अपनी आईडी को यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास पासवर्ड नहीं है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है, अगर पासवर्ड है तो पासवर्ड डाल दीजिए, यहाँ पर आप एक्सेस कर पाएंगे, और अगर नहीं है तो फॉरगेट कर दीजिए। अब दूसरा यहाँ पर जो आता है ऑप्शन, वो आता है लास्ट पासवर्ड का। लास्ट पासवर्ड में आप जो अपना पिछला वाला पासवर्ड या पासवर्ड का चार डिजिट छोड़कर आप चार डिजिट डाल सकते हैं तो वो भी चल जाएगा, लेकिन आपको ये भी नहीं पता है तो फिर यहाँ पर अनदर वे, ठीक है। यहाँ पर आते ही चले जाते हैं, वैसे जितने लोग डालते हैं उस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन आते चले जाते हैं। अब ये रिकवरी ईमेल का बैकअप वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको ये भी मिल जाता है, आपके रिकवरी जो आपने लगा रखा होता है उस पर मेल जाता है, और ओटीपी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। सबसे पहले तो आपको मेल ही डालना पड़ेगा, जो यहाँ पर BAR दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको, और बाकी के डॉट डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसके बीच के वर्ड का आपको ही पता होगा क्योंकि आपने वेरिफिकेशन ईमेल डाला है। अगर आपका होगा तो आपको पता होगा। एंड उसके बाद फिर अनदर वे पर हम क्लिक कर देते हैं, तो अंत में अगर मोबाइल ऑप्शन वेरिफिकेशन का ऑप्शन होता है या फिर प्रम्प्ट्स का ऑप्शन होता है तो उसको भी हम स्किप कर देते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास ये ऑप्शन निकल कर आ जाता है। तो यहाँ पर ये खाली ऑप्शन रहता है जिसको हम ट्राई करते हैं, और हम बार बार इसको ट्राई करते रहते हैं तो ये इसी तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर हमारा इन्फॉर्मेशन हमारे पास पूरी कलेक्ट नहीं हो पाती, तो गूगल मानता है कि ये आपका अकाउंट नहीं है फिर, तो इस वजह से प्रॉब्लम आती है। लेकिन आपको बीच में कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा तब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, या आपके पास कुछ अलग से आपने अलग डाल रखा हो, प्रम डाल रखा हो, टू स्टेप वेरिफिकेशन डाल रखा हो, कुछ भी डाल रखा हो वो आपको पता होगा, तो वहाँ पर आप इजीली जो है एक्सेस कर जाएंगे, वरना आपको इसी तरीके से इशू आता रहेगा। तो अगर यहाँ पर आपको समझ में आया वीडियो को, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।